गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग. सो फाइनली इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ जब मैं अपने ब्रेसेस की अपडेट शेयर करती हूँ. सो या इन केस यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 मंथ से मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि मेरा रबर बैंड लगा हुआ है, मेरा एक जो दांत है नीचे वाला वो टेढ़ा हो चुका है एंड वो सीधा करने के लिए यू नो आई हैव टू वेयर दीज रबर बैंड्स रोज़. बट अनफॉर्चुनेटली इस मंथ भी मुझे उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड ये दांत इतना ज़्यादा स्टबर्न है कि वो ऑलमोस्ट 80-85% तो करेक्ट हो चुका है बट ये 100% नहीं हुआ है. तो आई हैव टू वेयर इट. एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जब मुझे पहली बार इस रबर बैंड को लगाने के लिए बोला गया था डॉक्टर ने, तब मैं उसको काफ़ी हल्के में लेती थी एंड मैं बहुत टाइम तक मतलब निकाल कर रख देती थी रबर बैंड को. सो जब मुझे सेकेंड टाइम डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द सेकेंड मंथ, तब मैं थोड़ा सा डर गई थी एंड आई यूज टू वेयर लाइक दो रबर बैंड्स. रात को सोते वक्त एक ही साइड पर 2 रबर बैंड लगाती थी. जस्ट यू नो मेरे इसमें दिमाग में था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा उससे एंड मैंने तभी उसको रबर बैंड लगाने का टाइम भी इंक्रीज कर दिया था. बट अनफॉर्चुनेटली ये दांत इतना ज़्यादा स्टबर्न है कि ये सिर्फ 80-85% ही करेक्ट हुआ है. तो दिस मंथ आई हैव टू कंटिन्यू वेयरिंग दैट. बट देर इज़ अनदर एडिशन बिकॉज ऑफ दिस टूथ ओनली कि ये सीधा नहीं हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मोलर बैंड्स लगाए. नाउ ये जो मोलर बैंड्स का प्रोसेस होता है ना, इसमें यूजुअली डॉक्टर 3-4 दिन पहले आपके दांतों में स्पेसर्स लगा देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए दोनों दांतों के बीच. बट मेरे केस में सिर्फ एक ही मोलर बैंड लग रहा है इसलिए उन्होंने डायरेक्टली ही लगा दिया. नाउ कमिंग टू दिस मोलर बैंड, तो मुझे बात करते करते ही दर्द हो रहा है इसके बारे में सोच के, बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट हर्टफुल प्रोसेस ऑफ एनी थिंग एज दैट ही हैज़ डन सो फार. तो जब उन्होंने वो लगा रहे थे तब वो सबसे पहले तो अलग अलग मोलर बैंड्स का नाप लेकर चेक कर रहे थे एंड ही वॉज लिटरली पुशिंग इट डायरेक्टली इन माई गम्स. तो क्या होता है ना, आपके गम्स मतलब बहुत ज़्यादा सोर हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड ब्लीडिंग. तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लग गया था बिकॉज गम्स को सेपरेट करने के चक्कर में दांत से वो मेटल वाली चीज़ हर्ट कर रही थी. तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. आफ्टर ट्राइंग 3-4 मोलर बैंड्स ही फाउंड द परफेक्ट मैच एंड ही यू नो वॉज ट्राइंग टू पुट इट विदाउट पुटिंग एनेस्थीशिया कुछ. तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्लिंच कर रही थी. आप इस फुटेज में भी देख सकते हो कि मैं उनको करने ही नहीं दे रही थी कि मुझसे तो नहीं हो रहा. एंड तब मैंने उनको बोला कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि ही विल पुट सम एनेस्थेटिक स्प्रे ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले. सो ये इतना ज़्यादा हर्टफुल था ना, तो गॉड ब्लेस द पर्सन जिसने भी एनेस्थीशिया को इन्वेंट किया है, बिकॉज जब उन्होंने वो स्प्रे लगाया तब मुझे जाके थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ हुआ एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि ही विल यू नो प्रोसीड विद द अदर प्रोसेस कि वो मेरे वायर्स वगैरह हटा देते हैं एंड वो रबर बैंड वगैरह चेंज कर देते हैं. सो व्हाइल डूइंग दिस आई नोटिस्ड कि मेरे जो काले वाले रबर बैंड्स थे वो बिल्कुल भी डिसकलर्ड नहीं हुए थे. तो इन केस यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर द सेम कलर फॉर योर सेल्फ एंड दिस टाइम आई चोज हॉट पिंक कलर का मतलब रबर बैंड्स एंड ऑल्सो बिकॉज ही वॉज पुटिंग मोलर बैंड्स. तो उन्होंने मेरा जो लोअर वाला ब्रेसेस है ना उनको थिक नहीं किया, इनफैक्ट इस बार उन्होंने उसको थिन कर दिया. सो बेसिकली मेरी जो वायर थी लोअर बैंड वाली वो उन्होंने थिन वाली लगा दी बिकॉज अभी उनको ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट 85-90% मेरा करेक्शन वहाँ का हो चुका है. इट्स जस्ट दिस वन पर्टिकुलर टूथ जिसको स्ट्रेट करना बाकी है, तब जाके वो यू नो बाइट रिस्टोर हो जाएगी मेरी अपर एंड लोअर टीथ की एंड वो अलाइन हो जाएगी. सो बेसिकली उन्होंने वो छोटा पतला वाला वायर लगा दिया एंड जो रेगुलर प्रोसेस होता है अपना वो कर दिया, रबर बैंड वगैरह चेंज कर दिए एंड आफ्टर दैट जैसे ही मेरे टूथ नम हो गए ही स्टार्टेड विद द मोलर बैंड अगेन. तो ऑफकोर्स उन्होंने जो था मेरा मतलब नाप तो ले ही लिया था एंड ही स्टार्टेड अप्लाइंग द मोलर बैंड. तो वो लिटरली आपके गम्स में एकदम ज़ोर से पुश करते हैं. सो वो पुश करते वक्त ना इट स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ हेडेक. मुझे इतना सारा मतलब सलाइवा भी आ रहा था. लिटरली ये बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस था, आई कुडंट बेर इट एट ऑल. सो जस्ट टू सिक्योर दिस मोलर बैंड इन प्लेस उन्होंने उसके ऊपर सीमेंट लगाकर इसको लिटरली अटैच कर दिया. नाउ इसकी आफ्टर केयर ये होती है कि आपको कुछ भी 1 घंटे तक खाना नहीं होता है एंड ऑल्सो एक 10 मिनट के लिए मेरे माउथ में कॉटन रखने के लिए बोल दिया था. ऑल्सो जस्ट टू इंश्योर कि वो प्रॉपरली प्लेस हुआ है वो एक बाइट ब्लॉकर से चेक कर रहे थे कि मतलब मेरे दांत प्रॉपरली एक के ऊपर एक प्लेस हो रहे हैं या नहीं आफ्टर अप्लाइंग दिस बैंड. तो ही वॉज आस्किंग मी टू कॉन्स्टेंटली बाइट दिस एक स्टिक जैसा जो आपको दिख रहा है वीडियो में वो.
तो मैं जब भी ये बाइट करी थी ना, वो मुझे बोले थे जोर से बाइट करो, प्रेशर लगाओ प्रेशर लगाओ. एंड इमेजिन अगर मुझे ऑलरेडी बिना कुछ प्रेशर लगाए इतना दर्द हो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रही थी. एंड यू नो बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस था. आई कांट इवन टेल यू ऑल, इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल था वो. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेन ना, मेरा जो पूरा राइट साइड वाला नर्व है वो हर्ट करने लग गया था. मेरा हेडेक होना शुरू हो गया उधर के उधर ही. एंड दिस हैज बिन द वेरी मोस्ट painful process out of everything that he has done so far. So इसीलिए I just wanted to you know share this with you all, ताकि आप लोग का भी अगर appointment होगा for getting molar bands वगैरह, तो you'll be mentally prepared कि क्या kind of pain होता है. प्लस आफ्टर गेटिंग दिस मोलर बैंड आई हैव ऑब्जर्व कि मेरे को दो दिन हो चुके हैं, बट स्टिल आई हैव दैट पेन. यूजुअली क्या होता है मेरे ब्रेसेस के बाद ना, एक दो दिन के बाद पेन थोड़ा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. बट विद दिस मोलर बैंड मेरा पेन मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, बट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट पेन. लाइक अगर आपने ये लगवा दिया ना, तो आपको नींद तक नहीं आएगी, इतना ज़्यादा हर्ट होता है. सो अगर मेरे को रात को सोना होता है ना, अभी दो दिन से मैं एक पेन किलर ले रही हूँ, अदरवाइज I am not able to sleep. मतलब मैं कितना भी try कर रही हूँ ना, मैं 4-4 घंटे नींद में दर्द में, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही है. So without taking a painkiller, I really can't sleep. तो इसीलिए like I am taking painkillers, and after waking up as well, I wake up with the same pain that I had the previous night. तो इमेजिन ये कितना हर्टफुल प्रोसीजर है. सो नाउ इनफ अबाउट द पेन गाइज. मतलब ऐसा नहीं है कि अनबेरेबल है, इट्स जस्ट दैट कॉन्स्टेंट है तो थोड़ा अनोइंग है. बट एनी वे आई हैव अ फीलिंग कि अभी एक दो दिन में कम हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जो प्रिकॉशंस होते हैं दैट यू डोंट हैव टू ईट अ लॉट ऑफ हार्ड फूड. एंड ऑनेस्टली वो तो आपके नॉर्मल टाइटनिंग के बाद भी आप नहीं खा सकते हो. एक दो दिन तक बहुत दांत दर्द होते हैं. एंड इसके अलावा मेरे जो गैप्स थे उनको क्लोज करने के लिए भी डॉक्टर ने और छोटा वाला मतलब पावर चेन लगाया. सो बेसिकली जितना छोटा पावर चेन लगता है, उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है. सो मेरी जो गैप्स है उस पर भी वर्क कर रहे हैं. एंड देन आई हैव टू वेयर द रबर बैंड्स. एंड ऑनेस्टली जब मैं रबर बैंड्स लगाती हूँ ना, तब तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हर्टफुल है. So yeah, I just wanted to share this with you all. So I'm really hoping that you all are finding these videos helpful and useful. And at least aur kuch nahi to aapko relatable lag raha hoga agar aapke braces honge. And if you're liking these videos, to ek hi request hai, please don't forget to hit the like, share and subscribe button. Mera channel, you know, it's almost going to get monetized, so please help me in that. I would be really really grateful. And agar aapke koi bhi request ho to please let me know. I would definitely love to make those videos as well. So yeah, I'll see you in my new video. Tab tak ke liye goodbye and take care.